आइए बेटा, तो करते हैं आज की क्लास शुरू, क्योंकि आ गया आपका अकाउंट्स का गुरु। आज हम करने जा रहे हैं गुडविल का टाइप टू, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इससे पहले हमारे को यह समझना होगा कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। एक बात बताओ, एक ही प्रोडक्ट के या एक ही टाइप के दुकानें होती है, यस और नो? हर कोई एक जैसा प्रॉफिट अर्न करते हैं, डिफरेंट अर्न करता है, डिफरेंट प्रॉफिट अर्न करते हैं, राइट? कोई बिजनेस ज्यादा अर्न कर रहा होगा, कोई बिजनेस कम अर्न कर रहा होगा। लेट सपोज मैं कहता हूं मेरा किसी चीज का बिजनेस है, लेट से किसका ले लेते हैं, स्टेशनरी का। अब ध्यान से सुनना, मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, मैं अर्न कर रहा हूं बेटा 12 लाख। कितने अर्न कर रहा हूं बेटा? 12 लाख। अब यही मेरा एक कॉम्पिटिटर अर्न कर रहा है 7 लाख। कितने अर्न कर रहे हैं बेटा? 7 लाख। ये बताओ मैं उससे कितने ज्यादा रुपए कमा रहा हूं, कितने ज्यादा कमा रहा हूं? 5 लाख रुपए ज्यादा कमा रहा हूं। ये 5 लाख रुपए जो मैं उससे ज्यादा कमा रहा हूं, इसको हम बोलेंगे बेटा सुपर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? सुपर प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट क्या हुआ? वो एक्सेस प्रॉफिट जो मैं अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा कमाता हूं, उससे हम क्या बोलते हैं बेटा? सुपर प्रॉफिट। तो और डेफिनेशन लिखते हैं, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट दैट अ फर्म अर्न्स ओवर इट्स नॉर्मल प्रॉफिट। यानी वो प्रॉफिट जो मैं लोगों से ज्यादा कमा रहा हूं, उससे हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। यानी मान लो मैंने एक बिजनेस लगाया 10 लाख रुपए में, और 10 लाख रुपए लगाने के बाद मैं उससे 30 लाख रुपीज अर्न कर पा रहा हूं। कितना? 30 लाख। पर यही कोई 10 लाख रुपए लगा के मेरा कॉम्पिटिटर सिर्फ 18 लाख रुपए अर्न कर पा रहे। कितना? 18 लाख। तो मैं उससे कितना ज्यादा कमा रहा हूं? 12 लाख। तो 12 लाख क्या कहलाएगा? मेरा सुपर प्रॉफिट। बोलो बात समझ आई? अब सुपर प्रॉफिट मेथड के क्या स्टेप्स हैं? स्टेप नंबर 1, हमारे को सबसे पहले यहां निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मैंने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा हुआ है। इसको निकालने के दो तरीके हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। सर इसमें क्या आता है? मैंने कहा बेटा इसमें आती है हमारी गुडविल इन बैलेंस शीट, इसमें आता है हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसमें एक चीज और डाल देते हैं हम, वैसे एक अलग ही रखते हैं उसे, एक आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखना, देखो पूरा विश्वास है आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, है ना? क्योंकि समझाया तो मैंने है ही नहीं आपको। ये 3 वर्ड समझ आ गए, कैपिटल करंट और रिजर्व्स, बस। इसके आगे या किसी काम का नहीं, कोई क्वेश्चन हमारा आएगा भी नहीं अभी ऐसा। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एक काम और करो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहां पे भी लिख लो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट।
स्टेप नंबर टू, स्टेप टू है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। स्टेप नंबर थ्री, सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड स्टेप फोर, गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एक बार इसे लिखो पहले। आओ बेटा, अभी आपने सिर्फ स्टेप्स नोट करने हैं। ये क्या है वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। आराम से पढ़िए। अब बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। एक बिजनेस क्या कर रहा है? 8 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। अब ये क्या चीज है? कोई भी बिजनेस हो उसमें मिनिमम प्रॉफिट रेशियो होती है, यानी इतना पैसा इन्वेस्ट करो तो इतनी परसेंट की रिटर्न आएगी ही आएगी। अगर आप LIC में भी जाओ, LIC कराओ, तो वो भी बोलते हैं आपको, या बेस्ट एग्जाम्पल बैंक में FD कराओ। सुना है क्या होता है? आप 10 लाख रुपए लगाओ, वो कहते हैं आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है ना, यानी 10% आपको क्या मिलेगा बेटा? प्रॉफिट। यानी 10 के क्या बन जाएंगे वो? 10 लाख के क्या बन जाएंगे? 11 लाख। 10 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए का फायदा कमाया, 11 लाख, राइट? तो इसे समझ लो आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे ताकि आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट आता रहे, राइट? तो ये हर बिजनेस में होता है। क्या है क्वेश्चन? द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, यानी अगर कोई और ही बिजनेस करेगा तो वो मिनिमम 10% का प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। बात समझ आई? यानी अगर कोई बंदा 5 लाख रुपए लगाए तो कितने रुपए कमाएगा बताओ? 5 लाख रुपए लगाएगा तो मिनिमम कितने रुपए अर्न करेगा? करेगा 50,000। 10% है ना? ओके। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000। टोटल वैल्यू कितनी है बेटा एसेट्स की? 22 लाख, और लायबिलिटीज की 5,60,000। Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method. If it is valued at 2.5 years purchase of super profit, goodwill निकालनी है super profit के through. तो सबसे पहला step क्या होता है बेटा? Step number one क्या था मेरा? Capital employed. Capital employed. देखिए, दो type के थे। एक था partners capital plus current plus reserve. और एक क्या है मेरा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कौन सा यूज करूंगा बेटा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स हैं 22 लाख, लायबिलिटीज हैं 5,60,000। कितना हो गया बेटा ये? 16,40,000। बोलो यहां तक क्लियर? पहला पॉइंट। स्टेप नंबर टू क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? कितना परसेंट आप कमाओगे? कमाओगे 10%। तो NRR है आपका 10%। 16,40,000 का 10 by 100, 1,64,000।
स्टेप नंबर थ्री क्या है, सुपर प्रॉफिट। कैसे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज है मेरा कितना, एवरेज दे रखा है 8 लाख रुपीस। नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाला मैंने 1,64,000, तो मेरा आ गया 6,36,000। अब गुडविल कितने पे लेनी है, 2.5 years। देखिए गुडविल लेनी है 2.5 years, यू नीड एसपी इंटू 2.5, 6,36,000 इंटू 2.5, तो 12,90,000। एक मिनट कुछ गलती हो रही है, 15 लाख, हाँ 15,90,000। बोलिए यहां तक क्लियर। एक छोटा सा पॉइंट ऐड करने जा रहा हूं, हमने यहां पर लिखे थे एक सेकेंड, ये रे नॉर्मल लॉस में एक चीज और ऐड करो, पार्टनर रेम्यूनरेशन, पार्टनर के कमीशन सैलरी या रेम्यूनरेशन हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन सैलरी को बोलते हैं बेटा, सैलरी कमीशन इन सबको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो राइट नाउ। आइए बेटा, अतुल एंड विपुल हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड रुपीज 50,000। अतुल और विपुल क्या है, पार्टनर्स हैं, जहां उन्हें इन्वेस्ट करी है 50,000, यानी 50,000 क्या हो गया बेटा, 50,000 क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 50,000 राइट। अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर 16,000, यानी 16,000 हो गई एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हो गया मेरा 16,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, NRR इज 15%, ओके। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ, 4 years परचेज, ये क्या हो गई बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एक्चुअली क्वेश्चन क्यों उठाए उसका रीजन बताऊंगा। देखिए अब जरा लाइन ध्यान से पढ़िएगा, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। कहता है प्रॉफिट्स इन एक्सेस, इन एक्सेस का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो बेटा, 15% वाले प्रॉफिट से, 15% वाला प्रॉफिट, 15% वाला प्रॉफिट बेटा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। अभी तो बताया अगर आप 50,000 का 15% निकाल रहे हो, 50,000 का 15% यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का 10/100, 15/100, तो वो क्या कहलाता है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल में ये हिंट था, क्वेश्चन तो इसके लिए पिक करा है मैंने ताकि लैंग्वेज समझ आए, वो प्रॉफिट जो 15% से ज्यादा है, 15% ज्यादा प्रॉफिट, एक सेकंड प्लीज लैग अगेन, वो प्रॉफिट जो 15% से ज्यादा है, 15% से ज्यादा यानी कौन सा प्रॉफिट हुआ बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट, और 15 से ज्यादा वाला सुपर प्रॉफिट। तो आओ निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 का 15% 7,500, सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी 16,000 माइनस 7,500 विच इज 8,500,
अब गुडविल 8500 का इंटू 4 34,000, बोले क्लियर? ओके क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो राइट नाउ। चलो बेटा अपने स्टेप्स चेक करो। कैपिटल ऑफ द फर्म एंड अनुज एंड बिनुज इज 10 लाख, यानी हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड होगी 10 लाख। आगे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी एनआरआर, बेटा जो भी परसेंट होगी वो हमेशा एनआरआर की होगी। एनआरआर कितना है? 15%। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। सैलरी कितनी है? 60,000 ईच। मैंने आपको याद एक बात लिखवाई थी कि पार्टनर की सैलरी नॉर्मल एक्सपेंस है, यानी माइनस करना ही करना है। प्रॉफिट दे रखे लास्ट ईयर के 3 लाख, 3 लाख 60 और 4 लाख 20। तो सबसे पहले प्रॉफिट को करेक्ट कर ले। प्रॉफिट क्या क्या हो जाएंगे आइए देखते हैं। पहले साल का 3 लाख में से क्या करूंगा, 60,000 ईच है यानी कितनी हो गई 1,20,000, तो 1,20,000 माइनस करूंगा यानी बोलिए 1,80,000 आ गया। सेकंड 3,60,000 में से माइनस करेंगे 1,20,000, 2,40,000, 4,20,000 में से माइनस करो 1,20,000 यानी 3 लाख। तो आएगा 7,20,000 इसका टोटल। अब निकाल लो एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 अपॉन में 3, 2,40,000। बेटा एक बात सुन लो, जब भी ये नंबर्स एपी सीरीज में हो, ये एपी है ना देखो 60-60 के गैप पर है, तो सीधा मिडिल वाली वैल्यू ही आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब निकालते नॉर्मल प्रॉफिट 10 लाख इंटू में 15%, 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, एपी माइनस एनपी 1,50,000 2,40,000 माइनस 1,50,000 यानी ये हो गया मेरा 90,000। और गुडविल कितने साल की परचेज पे लेनी है बेटा, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज, 2 इयर्स परचेज पे लेनी है। तो 90,000 इंटू में 2, 1,80,000। क्वेश्चन 18 ट्राई करो। आओ बेटा अब अपने स्टेप्स चेक करो। क्वेश्चन 18 में क्या कहता है, ऑन 1st अप्रैल 2024 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। एक फर्म के पास कितने की एसेट्स थी, 75,000 की, और जिसमें से ₹5,000 उसका कैश था। एक सवाल है बेटा, एक बात बताओ, जब मैं एसेट्स बोलता हूँ उसमें कैश शामिल होता ही नहीं होता? होता है। तो क्या ये 5,000 कैश लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। मेरे को कितने का देखना है, यानी 75। सिंपल है। कई बच्चों ने क्या करा है, 75 में से 5 माइनस कर दिए। भाई जब मैं एसेट्स बोल रहा हूँ उसमें सारी एसेट्स ही तो आएगी, तो कैश भी शामिल होगा। अच्छा कई बच्चे ऐड कर देते हैं, ऐड भी नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। तो क्या कहता है, एसेट्स कितने की है, 75। एसेट्स है 75,000। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट, यानी लायबिलिटीज हो गई 5,000। आगे द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ ₹10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹60,000। फर्म के पास रिजर्व था
10,000 का, और पार्टनर्स कैपिटल में कितना बैलेंस है मेरा 60,000। अब सर सबसे पहला बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड किस वे से निकालू मैं, कोई बता सकता है किस वे से निकालू कैपिटल एम्प्लॉयड? करेक्ट, किसी से भी निकाल लो आंसर सेम आएगा। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूला है, पहला एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल प्लस करंट है नहीं तो जीरो मानोगे, प्लस रिजर्व। एसेट्स कितने की, एसेट्स कितने की 75। माइनस 5 विच इज 70,000। चाहो तो आप दूसरा वे लगाओ, 60 प्लस 10 यहां लिख लेता हूं, 60 प्लस 10 चाहो तो ऐसे करके देखो तो भी 70 आएगा। तो टोटली चॉइस मेरी है। आगे इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, एनआरआर है 20%, तो एनआरआर से क्या निकलेगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। एनआरआर 20%, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 70,000 का 20%, 14,000, राइट। ये भी आ गया आगे, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल कितने में वैल्यू करी गई है बेटा, 24 पे, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने हैं, 4। नहीं आंसर बच्चा अगर बुक से अलग आंसर आएगा, नहीं बेटा सेम आंसर आएगा, दिखाता हूं भी कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पे गुडविल निकाली नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। फाइंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। देखो बेटा अब यहाँ कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, तरीका बता रहा हूँ, अगर आप कन्फ्यूज हो जाओ तो क्या करना है, सारे स्टेप्स पर लिख लो एक ही बार में। स्टेप्स याद है, स्टेप नंबर वन क्या था बेटा, सबसे पहले क्या निकालते हम, कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप नंबर टू नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर बाय 100। स्टेप नंबर थ्री क्या था, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड स्टेप नंबर फोर गुडविल, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। आप सबसे पहले इसे लिख लो, आपको पता लग जाएगा कौन सा स्टेप पहले लगाऊं कौन सा नहीं। लगाने की पहचान क्या है, देखो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई तो पहला स्टेप की तो जरूरत ही नहीं है। स्टेप टू नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सीई इंटू एनआरआर बाय 100, ये भी आ गया स्टेप टू, तो रह गया मेरे सिर्फ दो स्टेप में होगा खेल। अब देखो स्टेप थ्री के लिए एसपी निकालना होता है, क्या एसपी है, नहीं। एवरेज प्रॉफिट है, नहीं वो तो निकालना ही है। नॉर्मल प्रॉफिट है, हाँ, तो इससे कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ दो आइटम मिसिंग है। तो स्टेप फोर पे आओ बेटा, गुडविल, गुडविल है, एसपी नहीं है, एसपी कहाँ है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज है, तो इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं हम, सुपर प्रॉफिट। देखो गुडविल क्या हो जाएगा मेरा, गुडविल इज इक्वल्स टू एसपी इनटू में 4, 24,000 इनटू में एसपी इनटू में 4, सुपर प्रॉफिट कितना आया बेटा 6,000। लगा दे फॉर्मूला, एसपी इज इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी 6,000। एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, नॉर्मल प्रॉफिट 14, इसे इधर भेजो इधर आके प्लस 20,000, तो एवरेज प्रॉफिट क्या कितना आएगा बेटा 20,000। क्लियर, ओके। 23, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 7,50,000
विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 30,000। कहता है एवरेज प्रॉफिट कितने का था? 7.5 लाख का, जिसमें क्या शामिल थी बेटा? 30,000 की ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन मतलब मैंने अपने स्टॉक को 30,000 रुपये ज़्यादा लगा रखा था, यानी मान लो मेरे पास जो स्टॉक था 2 लाख रुपीज की वर्थ थी, बट मैंने उसे कितना लिखा हुआ था अपने पास 2,30,000 ज़्यादा लगा रखा था। क्या सही है गलत है? 2 लाख का माल 2,30, सही लिखा है गलत लिखा? गलत है ना बेटा। तो क्या करूँ करेक्शन के लिए, खुद बताओ। 30 ज़्यादा लगा रखा था तो 30 माइनस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 42 लाख। कैपिटल कितनी है? 42 लाख। NRR इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%, राइट? ओके, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 times द सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालनी है एसपी का 3 से मल्टीप्लाई करके। तो आओ करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। 7.5 लाख माइनस 30,000 कितना हो गया? 7,20,000। यहां तक क्लियर? फिर एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरा। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड है कितने की है? 42 लाख की। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ? 42 लाख इनटू में एनआरआर कितना है? 15%। सर क्या एग्जाम में हमारे को ऐसे लिखना है जैसे आप लिख रहे हो? नहीं बेटा, आप डायरेक्ट ये वाले स्टेप्स लिख सकते हो, 1, 2। ये तो आपको समझाने के लिए। कैलकुलेट करिए कितना बेटा? 1 लाख। चलिए मैं कर लेता हूँ। 42 लाख का 15%, 6,30,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? एपी माइनस एनपी 7,20,000 माइनस 6,30,000। तो कितना हो बेटा ये? 90,000। गुडविल कितना हो गया? 90,000 इंटू में 3, 2,70,000। अब 24 आपकी बुक्स का ही है, इसे अटेम्प्ट करो। इसमें छोटा सा मैंने चेंज करा है, वैसे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इसमें एक पॉइंट है जो मेरे को बताना है। जरा देखो मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूडिंग अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बाय 60,000। कि स्टॉक की वैल्यू 60,000 रुपये कम लगाई हुई है। आओ इसमें मेन पॉइंट बताता हूँ। देखिए ईयर, फिर प्रॉफिट एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एडजस्टमेंट एंड फाइनली नॉर्मल प्रॉफिट। ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन रिगार्डिंग एक पॉइंट जानो बेटा। ओवर वैल्यूएशन मतलब मैंने अपनी स्टॉक की कीमत क्या करी? ज्यादा लगाई है। बेटा एक पॉइंट समझना, आपको पता है साल के एंड में क्या बनाते हैं? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बट एक बात बताइए, इधर क्लोजिंग स्टॉक हम किधर लिखते हैं? साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं बेटा? क्रेडिट साइड पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब लेट सपोज मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000 ज्यादा कर दी। क्या कर दी? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000 ज्यादा। तो यानी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बड़ा होगा 10,000 रुपये। लेट सपोज मेरा था 1 लाख रुपीज, बट मैंने कितना दिखाया होगा अपनी बुक्स में?
1,10,000, इसे क्या बोलते हैं? ओवर वैल्यूएशन। क्या बोलते हैं बेटा? ओवर वैल्यूएशन। चार्जर का स्विच ऑफ कर दीजिए, राइट। डेबिट साइड इनकम की होती है, एक्सपेंस की होती है, डेबिट साइड एक्सपेंस की और क्रेडिट साइड इनकम की। जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 रुपए ज्यादा दिखाया तो मेरी इनकम क्या हुई, बढ़ गई या घट गई? बोलो, बढ़ गई। एक सेकंड प्लीज, यहां तक क्लियर बात? यस और नो? अब एक बात बताओ, यहां मेरी इनकम ज्यादा है, अगले साल ये क्लोजिंग स्टॉक क्या बनता है? करेक्ट, ओपनिंग स्टॉक। याद आई बात? पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। तो एक बात बताओ, इस साल भी ओपनिंग वैल्यू कितनी करी होगी? 1,10,000। यानी यहां पर इस साल मेरा खर्चा ज्यादा, तो करेक्शन के लिए क्या करूंगा? 10,000 रुपए एड। देखो यहां पे 10,000 का प्रॉफिट ज्यादा था, करेक्शन के लिए माइनस। यहां 10,000 का खर्चा ज्यादा था, करेक्शन के लिए प्लस। बोलो, बात समझ आई? तो ओवर वैल्यूएशन में क्या हम करते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में फर्स्ट ईयर में हम क्या करते हैं बेटा? माइनस करते हैं। जिस साल हुआ ओवर वैल्यूएशन उस साल माइनस, और उसके नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं? प्लस। अंडर वैल्यूएशन में बेटा, अंडर वैल्यूएशन यानी कीमत कम लगाई गई हुई थी, तो क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर में प्लस, कीमत कम लगाई थी ना, और नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे बेटा? माइनस। बोलो, पॉइंट क्लियर? अब क्वेश्चन 24 देखिए, 31 मार्च 2020 प्रॉफिट्स कितने के हैं? 1,50,000, इंक्लूडिंग अंडर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक बाय 60,000। अंडर वैल्यूशन है, क्या करूंगा? प्लस। इस साल प्लस तो अगले साल माइनस, यही अगले साल क्या हो जाएगा? माइनस भी हो जाएगा। 1,80,000, फिर ये 1,00,000, इधर क्या है? एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 1,00,000, एबनॉर्मल लॉस हुआ तो एबनॉर्मल लॉस को प्लस। एबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000, एबनॉर्मल गेन को क्या करते बेटा? माइनस। चौबीस में कुछ नहीं हुआ, 2,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितने का हो जाएगा ये? 2,10,000, 1,20,000, 2,00,000, 2,20,000, 2,40,000। दो लाख दस प्लस 1,20,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,20,000, 9,90,000। एवरेज प्रॉफिट कितने का बैठा मेरा? एवरेज प्रॉफिट आ गया 9,90,000 बाय 5, 1,98,000। ये हो गया मेरा, हाँ जी, पहला एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापसी। द फर्म हैड टोटल एसेट्स ऑफ 20,00,000 एंड लायबिलिटीज ऑफ 5,00,000। यानी ये क्या निकालेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, 20,00,000 माइनस 5,00,000, 15,00,000 रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एनआरआर है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 15,00,000 का
10% यानी 1,50,000। फिर सुपर प्रॉफिट एपी माइनस एनपी 1,98,000 माइनस 1,50,000, 48,000 का ये आ गया। अब गुडविल कितने पे लेनी है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज, एसपी इंटू थ्री यानी 48,000 इंटू में थ्री 1,44,000। बोलो पॉइंट क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं डीके कॉइल का लिया है, इसमें मेन आपको मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके दिखानी है बस, और कुछ नहीं। अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट। कौन आ रहा है? सौरभ आ रहा है। अभी इसका कोई काम नहीं है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल कितने वैल्यू करनी है? 4 इयर्स परचेज, 4 साल की परचेज पर। ओके ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम। एनआरआर कितना बेटा? 12%। एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स वॉज 30। एवरेज प्रॉफिट कितने का था? 30। कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। क्या निकालनी है? सौरभ की गुडविल निकालनी है सर। सौरभ की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो गुडविल निकाल लो। तो सबसे पहले चाहिए मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालूंगा? कौन सा फॉर्मूला? कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स। करंट अकाउंट है? नहीं है। कैपिटल प्लस रिजर्व्स, देखिए अब ऐसे निकाल लो 1,40,000 प्लस 20 1,60,000। एक स्टूडेंट कहता है कि सर आप दूसरे वाला यूज कर लो ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लो उससे भी करा देते हैं, कोई बात नहीं। और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब देखो यहां कंफ्यूजन स्टार्ट हुई स्टूडेंट्स को कि सर एसेट्स कौन कौन सी लेंगे। बेटा सारी मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स कैश सारी आ जाएगी 1,90,000। मेन पॉइंट आएगा लायबिलिटीज क्या ले। लायबिलिटीज में कैपिटल नहीं आएगी, रिजर्व नहीं आएगा, लोन आएगा, आएगा क्रेडिटर्स आएंगे। तो 25 और 5 30 कितना आया? 1,60,000। जो आपको तरीका अच्छा लगा वो लगा सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट 1,60,000 का 12% 19,200 राइट। अब सुपर प्रॉफिट एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट कितने का है? 30। तो 30,000 माइनस 19,200 10,800 राइट। गुडविल कितने की हो गई? 10,800 इंटू में 4 तो ये मेरी बेटी 43,200। ये आंसर मैच नहीं करा होगा क्योंकि क्वेश्चन ने मांगा क्या है? सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। कि सौरभ की गुडविल, वैसे तो आगे यूज आएगा इसका, बट एस शेयर इन गुडविल। एस कितने शेयर के लिए आया था? इक्वल। इक्वल मतलब 1:1:1 यानी कितना हो गया बेटा? अमित कार्तिक और सौरभ का कितना हो जाएगा? 1:1:1 43,200 इंटू में 1/3 14,400 बेटा सुपर प्रॉफिट आपका सारा कवर अप हो गया।